बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, बिल्कुल अलग तरीके से पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। इसे आप एक बार घर पर जरूर बनाएं। बनाना स्टार्ट करते हैं। हम देखिए लगभग 100 ग्राम पे लगभग दही लिए हैं। इसमें हम आधा टी स्पून दे देते हैं आपका काश्मीरी लाल मिर्च, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, गरम मसाला आधा टी स्पून, जीरा पाउडर आधा टी स्पून, किचन किंग 1 टी स्पून, नींबू। पनीर टिक्का बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला, अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें हम शिमला डाल देंगे, प्याज इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं, इसी में हम पनीर डाल देते हैं। पनीर टूटे नहीं हमारा, इसलिए थोड़ा अच्छा से मिलाएंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसमें टमाटर डालेंगे, 2 बड़े साइज का टमाटर लिए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से गलने देते हैं। प्याज के साथ सारा कुछ हमारा भुना चुका है, ये हम इसको उतार के साइड में रख देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसको भी हम गर्म होने देते हैं और 1 चम्मच के लगभग हम सूजी डाल देते हैं और इसको पूरा हीट गर्म करेंगे हम। इसको ओपन कर लेते हैं, हमारा देखिए बहुत अच्छा इसमें मसाला पी चुका है। जो हम घी डाले थे कर रहे हैं, हम टिक्का बना रहे हैं, हमारे पास तो तंदूरी है नहीं, हम इसी में इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं। हम लोग तंदूरी के बिना बना रहे हैं, इसलिए हम लोग कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं, तो इस तरह से हम डिप्लान कर लेते हैं। पनीर हमारा लाल हो चुका है, हम पनीर को निकाल लेते हैं और प्याज और शिमला में थोड़ा टाइम लगता है, उसको 2 मिनट हम और पकाएंगे। प्याज और शिमला हम 2 मिनट और पका लेते हैं। गैस का फ्लेम हम बहुत तेज रखे हैं, 2 मिनट में इसको पानी छोड़ देगा, ये हम गैस का फ्लेम तेज है। प्याज और शिमला भी हमारा बन पक चुका है, ग्रेवी का तैयारी करते हैं। हम एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 चम्मच के लगभग तेल डाल दिए हैं, सरसों तेल डाले हैं, आप चाहे तो रिफाइन में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम 1-2 सूखा मिर्ची डाल दिए, 2 चेक पत्ता, 1 कच्ची जीरा, अब ये जो पेस्ट हम तैयार किए थे उसको भी हम इसी में डाल दिए हैं, जो मेरा दही का घोल बचा हुआ था उसमें ही हम सारा पेस्ट को डाल दिए हैं। अब इसको इसमें डाल,
से मिला के 2-3 मिनट पकने देते हैं। मसाला को ढक ढक के भूज देते हैं, इसको ढक देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा उबाल भी आएगा। इसे ढक के दो क्योंकि साइड से मसाला से तेल निकलने लगा है। लगभग मसाला हमारा भुंजा चुका है, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हम फ्राई करके इसमें भी नमक डाले थे, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच के लगभग बेसन डाल देंगे, इसके साथ में इसको अच्छी तरह से मिला। अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है, देख लीजिए कि मसाला बना चुका है। अब जो शिमला और पनीर जो हम लोग फ्राई करके रखे थे उसको हम इसमें और हल्का हल्का इसमें मिला। अब इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल देंगे। अब बिल्कुल हल्का मिलाएंगे नहीं तो पनीर टूट जाएगा। अनुसार से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अनुसार से पानी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलानी है। हरा धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच के लगभग सुरखी डालते हैं। इसके साथ में अच्छी तरह से मिला देते हैं और ढक के 2 मिनट तक पकने देते हैं। देखिए बहुत कितना सुंदर कलर आया है, सब्जी देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, उम्मीद है कि खाने में भी अच्छा लगेगा। परफेक्ट ग्रेवी है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और खाने के लिए सर्व करते हैं। खाने के लिए सर्व करते हैं। टिक्का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसे पूरी के साथ, नान के साथ या फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप एक बार घर पर जरूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।